कोरोना जो फर्स्ट का लहर था 2020 में, ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो हम लोग अपने तरफ से और हमारे जो इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सब ने मिल के इस क्षेत्र में कई ऐसे गरीब हैं जिनको काफ़ी परेशानी हुई थी फर्स्ट लॉकडाउन में। उस जो संपूर्ण लॉकडाउन था वहाँ पे निकलना चल पाना काफ़ी मुश्किल था, तो आपसी सहयोग से लोग काफ़ी मदद किए थे। उसके बाद फिर हम मुख्यमंत्री किचन जो योजना था, किचन योजना, उससे मैं लग के कंटिन्यू इस क्षेत्र में 84 दिन लगातार खिचड़ी वितरण, वेज आइटम जो खाना था, जो मोराबादी से खाना आता था, जो मैं पुंदाक का हम ही लिए थे, मेरे ही थ्रू हर क्षेत्र में हमारे एक टेम्पू थी जो मुख्यमंत्री किचन योजना के तहत निकलती थी और पूरा क्षेत्र में लोगों को देख देख के मुहैया करके राशन देते थे, खाना देते थे। और जो दूसरी लहर आई है, दूसरी लहर में सरकार से लोगों को उम्मीद था कि कम से कम कुछ, पिछले बार जो योजना दी थी गरीब लोगों को, खिचड़ी आता था, राशन आता था, इस ये सेकंड लॉकडाउन में नहीं दिखा। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि अभी देखिए पहला कोरोना, दूसरा, फिर अभी आप थर्ड स्टेप भी आ रहा है, तो कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। अमीर और जो गरीब होते हैं, वो अमीर को तो देखिए फ़र्क पड़ता ही नहीं है, गरीब है वो तो बेचारे लोग आदत से लाचार हैं, कुछ ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग मार खाते हैं मिडिल फैमिली। अब हम आप जैसा लोग तो थोड़ी किसी से मदद के लिए गुहार लगा सकते हैं कि आप हमको कुछ पैसा दीजिए या कुछ राशन दीजिए। तो सरकार कम से कम ऐसे इस स्थिति में सबका ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके जो राशन वितरण का था ये बंद नहीं करना था, और ये पेपर में लगभग आपका अप्रैल में आया भी था कि फिर से ये मुख्यमंत्री किचन योजना चालू होने वाला है। तो मुझे उम्मीद था कि कम से कम चालू होने से जो गरीब गुरबा थे वो हमेशा हमको फ़ोन करते थे कि भैया खिचड़ी कब आएगा, कम से कम एक टाइम का खिचड़ी खाने से भी हम लोग को बहुत राहत होती है। लेकिन उम्मीद था, लेकिन ऐसा इस बार हुआ नहीं। अगला जो स्टेप आ रहा है, जो 2-3 महीना अगस्त या सितंबर का जो लहर है, तीसरा लहर, उसमें मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूँ कि कम से कम इस पर ध्यान दें, खास करके जो आपका कुछ और ऐसा योजना जो और बेहतर लगे, गरीबों तक पहुँचे। केंद्र सरकार का राज्य सरकार को कितना सपोर्ट मिल पाया दूसरा खेत में जो कोरोना काल का रहा? कोरोना काल का जो दूसरा खेत में था, देखिए आपका झारखंड सरकार तो फर्स्ट लॉकडाउन में बढ़िया काम की थी, सेकंड लॉकडाउन में भी बढ़िया करती, लेकिन किसी कारण हमको लगता है पैसा ही नहीं दिया होगा राज्य सरकार। कितना मतलब सपोर्ट मिल पाया केंद्र सरकार से राज्य सरकार को? ऐसा सपोर्ट तो अभी तक दिखता तो ज़रूर मार्केट में रहता, लेकिन अभी तक वैसा नहीं दिखा। हमको नहीं लगता कि सपोर्ट मिला होगा, केंद्र दिया होगा राज को, करता तो ज़रूर दिखता। जो भाजपा है वो बोल रही है कि जो भी वेंटिलेटर मिला वो राज्य सरकार यूज नहीं कर पाई, वो खराब हो गया। देखिए वो सब कैसे आएंगे, कैसे जुमले आएंगे जो वो बोले ऐसे, लेकिन धरातल पर दिखना तो चाहिए, धरातल भी दिखे तब तो मैं उसको माने मानूंगा। वेंटिलेटर ऐसे कई से जो हमारे साथी हैं और मार्गदर्शन जिसको बोला जाता है, जो इस सेकंड कोरोना काल में गुजर गए, क्या था रीज़न आपके भाई वेंटिलेटर? रांची में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं लेकिन वेंटिलेटर के नाम पे लूट हो रहा था। कई से लोग हैं जिन्होंने अपना हर एक पैसा प्रॉपर्टी तक को गिरवी कर दिया लेकिन जान नहीं बचा पाए। अगला स्टेप जो थर्ड राउंड में आ रहा है, तो कम से कम झारखंड सरकार स्वास्थ्य पर जरूर काम करे, हर क्षेत्र में एक क्षेत्र में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र दे जो लोगों को उतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए कि जो जिनके पास पैसा है वही जा सकता है वेंटिलेटर पर, आईसीयू पे। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? सदर हॉस्पिटल का आपको स्थिति
देखने को जरूरत ही नहीं है। क्या स्थिति वो आप देख सकते हैं। रिम्स का अभी आज का पेपर में दिया है कि इमरजेंसी में लाइट नहीं है, जिसके कारण कई लोग अफरा तफरी में इधर उधर किए। तो झारखंड सरकार पर स्वस्थ पर, खास करके स्वस्थ पर काम करें। आने वाले दिन में जो थर्ड राउंड का जो आ रहा है लहर, तो उस पर बढ़िया बेहतर काम हो तो झारखंड की जनता उनको तहे दिल से सम्मानित करेगी। राज्य के युवा जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ा है और जिस नाम पे सरकार आई थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितना पूरा हो पाए इन दो साल में? क्या लगता है अगले तीन साल में कुछ मिल पाएगा युवाओं को? देखिए, ये आपका लगभग 18 महीना डेढ़ साल हो चुका है ये सरकार को, और ये सरकार जब आई थी तो बोली कि झारखंड में लोग को रोज़गार देंगे, कुछ प्लांट लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है। और ये होना चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन अच्छा हासिल किए हैं, उम्मीद था कि कम से कम झारखंड सरकार, हेमंत जी आए हैं तो कम से कम देंगे, लेकिन अभी भी मतलब पेपर के माध्यम से पता चलता है कि बस 21 का था वे रोज़गार में, इस बार दिक्कत नहीं होगा, लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। कई ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या कर लिए, नौकरी के कारण नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए केंद्र को भी, राज्य को भी, कि आने वाले दिन में ऐसा कोई दोबारा घटना ना हो। कई ऐसे एग्जाम्पल है, एक ने कई है, तो खास करके ये जो आपका रोज़गार का मामला है, ये झारखंड सरकार को लोग लाया इसलिए कि ये बोले थे कि ये हमारा वादा जुमला वादा नहीं रहेगा, हम नौकरी देंगे, और आरक्षण में आरक्षण को भी हम इस बार बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक देखिए, उम्मीद है कि तीन साल में कुछ बेहतर करके दिखा। जिस आदिवासी सरकार है, आदिवासियों के लिए भी जो वादा किया गया था कि आदिवासियों को खनिज संपदा हो या जमीन की बात हो, क्या लगता है आदिवासियों की सरकार आदिवासियों के लिए कुछ कर रही है? नहीं, अभी तो कुछ करती तो जरूर दिखती है नहीं। हो सकता है कि तीन साल में और बेहतर करे, हो सकता है कि तीन साल में और बेहतर करे। और आदिवासी की सरकार है, सही है, लेकिन देखिए आदिवासी की ही सरकार में एक थाना इंचार्ज रूपा तिर्की, तो उन्हीं के घर आवास पे ही फातिर लगा के मार दिया गया, आज तक उसे पता नहीं चला कौन मारा। तो ये इस पर भी देखिए सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको तुरंत सस्पेंड करें, सख्त कार्रवाई करें। सरकार पे उंगली उठ रही तो सरकार को भी देखना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। और कई ऐसे जो लोग हैं, जो बहुत लोगों से उम्मीद था कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अभी दो साल में 18 महीने में अभी तक दिखा नहीं है। तो मैं झारखंड के माननीय मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम इस जो मुद्दा है स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, खाद आपूर्ति का, उस सब पे ध्यान दें कि लोग आपको बहुत दिल से लाया है कि कम से कम पिछला सरकार से हम लोग भूख गए, अच्छी अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अभी तक दिखा नहीं है। तौसीफ खान, अमन ग्रीन सिटी, कुंदा, कराची।